नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। जब भी मैं इस डाटा को देखता हूँ उसके बाद मुझे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना बहुत आसान हो जाता है। मुझे म्यूचुअल फंड से कभी भी डर नहीं लगता है। मार्केट हाई हो लो हो कहीं पे भी हो मार्केट, इस डाटा को मैं जितनी बार देखता हूँ उसके बाद मुझे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से कभी डर नहीं लगता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने से कभी डर नहीं लगता। ये डाटा इस तरह से है कि 96 में सेंसेक्स उस साल का लो 2713 पे था और हाई उस साल का 96 का हाई था 4131। ठीक उसी तरह 97 में उस साल का लो था 3096 और उस साल का हाई था 4605। तो मैं ये मानता हूँ कि किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपया लो में लगाया हमेशा। सेंसेक्स जिस समय लो था एक व्यक्ति इतना लकी है कि हमेशा लो में परचेज किया और एक व्यक्ति इतना अनलकी है कि हमेशा वो हाई में परचेज किया। तो जिसने लो में खरीदा उसको ज्यादा यूनिट मिला होगा, उसको ज्यादा सिक्का मिला होगा। मान लीजिए सोने का रेट कम है तो आपने 1 लाख रुपया डाला तो ज्यादा सिक्का मिलेगा, और किसी ने सोने का रेट हाई में लगाया तो उनको कम सिक्का मिलेगा, तो उनको 24.21 सिक्का मिला। तो हर बार देखा गया जो लो में खरीदा उनको सिक्का यूनिट सेंसेक्स थोड़ा ज्यादा मिला और जिसने हाई में खरीदा उनको कम मिला, और ऐसा चलते रहे 96 से लेके 2021 तक चलता रहा। तो टोटल 26 साल में 26 लाख रुपया उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। तो पता चलता है कि कितना सिक्का हमने लिया। उन्होंने सिक्का टोटल एक्यूमुलेट किया लो वाले ने 414 पे, जिसने हमेशा लो में खरीदा लकी था उनको 414 यूनिट्स मिला सेंसेक्स का, और जिसने हमेशा हाई में खरीदा उनको 260 यूनिट्स मिला सेंसेक्स का। तो अब करंट प्राइस 26 साल के बाद क्या है? 26 साल के बाद प्राइस है 49,795। तो आज जिनके पास जितना भी सेंसेक्स है उनका यूनिट्स है उसको हम करंट मार्केट से मल्टीप्लाई करेंगे तो पैसा बनता है 2,06,00,000 रुपया, जबकि जिसने हाई में खरीदा उनका पैसा बनता है 1,29,00,000 रुपया। यानी टोटल इन्वेस्ट किया 26 लाख रुपया 26 साल में, और एक के पास है 2 करोड़ रुपया और एक के पास है 1,29,00,000 रुपया। तो ये तो हुआ हाई लो का बात। पर जिसने SIP में इन्वेस्ट किया, ना हाई देखा ना लो देखा, हर महीने पैसा इन्वेस्ट करता गया, तो टोटल इस दोनों का जोड़ कर दें और डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो एवरेज निकल जाता है। तो एवरेज SIP रिटर्न अगर देखा जाए तो 1,68,00,000 रुपया होता है। 26 लाख रुपया इन्वेस्टेड वैल्यू का टोटल रिटर्न होता है SIP के थ्रू अगर एवरेज देखा जाए तो 1,68,00,000 रुपया होता है। यही पैसा अगर बैंक पोस्ट ऑफिस सेफ इन्वेस्टमेंट करते रहते तो 73 से 74 लाख रुपया बनता। तो इस डाटा से, इस कैलकुलेशन से ये समझ में आता है कि बैंक पोस्ट ऑफिस में आप कहीं भी करें और मार्केट में SIP इन्वेस्ट करते रहें तो आपको बैंक पोस्ट ऑफिस से डबल रिटर्न मिलता है। आप जितना पैसा एक्यूमुलेट करेंगे सेफ जगह पे उससे आपको इक्विटी SIP में 2 गुना ज्यादा रिटर्न मिलने का संभावना है। यदि आप म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ ज्यादा जानना चाहते हैं और यदि आप ऑफिसर हैं तो मेरे नंबर 9929641265 पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप अपने यूनिट में, वेलफेयर मीटिंग में, मंथली मीट में आप हमसे फाइनेंशियल प्लानिंग का क्लास कर सकते हैं गूगल मीट के थ्रू, और हर संडे मैं गूगल मीट पे मिलता हूँ 10 बजे। 4-5 ऑफिसर मिलकर आप हमसे फाइनेंशियल प्लानिंग का क्लास कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।